यूरिन से जुड़ी कोई भी समस्या हो या आपकी किडनी में खराबी का कारण बन सकती है। सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि यूरिन में बदलाव आना किडनी को खराब कर सकता है। आप यही सोच रहे हैं ना कि कैसे? तो आज हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से इस बात की जानकारी देने वाले हैं कि यूरिन में अगर ब्लड नजर आता है तो ये किस तरह किडनी खराबी का कारण बन सकता है। तो कहीं जाइएगा मत, हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, इससे आपके मन में चल रहे सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर पुनीत धवन में, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम आपको इस बारे में बताने वाले हैं कि कैसे यूरिन की तकलीफ किडनी को खराब कर सकती है। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अपने विषय पर और जानते हैं किडनी खराबी के कुछ कारणों के बारे में। देखते हैं कि क्या यूरिन से जुड़ी समस्या होना किडनी को कैसे खराब कर सकता है। यूरिन में ब्लड आना यूरिनरी ट्रैक्ट में डैमेज को दर्शाता है। अगर मेडिकल भाषा में देखा जाए तो यूरिन में ब्लड आना हेमेटूरिया कहलाता है। हेमेटूरिया शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हिमाटो और यूरिया। इसमें हिमाटो का अर्थ ब्लड और यूरिया का अर्थ है यूरिन, यानी कि यूरिन में होने वाला ब्लड। इस समस्या को रक्तमय भी कहा जाता है। जिनको ये समस्या होती है उन्हें यूरिन के जरिए रेड ब्लड सेल्स शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। हमारी किडनी में स्थित नेफ्रॉन ब्लड को साफ करता है और यूरिन में से ब्लड को साफ करके यूरिन को बॉडी से बाहर करता है। अगर आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है तो इसका साफ अर्थ है कि किडनी डैमेज है। इसके कारण ये ब्लड को सही तरह से फिल्टर नहीं कर पा रही है। तो इस तरह यूरिन में ब्लड किडनी खराबी का कारण बनता है। हेमेटूरिया यानी कि यूरिन में ब्लड आना भी दो प्रकार का होता है। पहला माइक्रोस्कोपिक हेमेटूरिया और दूसरा ग्रॉस हेमेटूरिया। माइक्रोस्कोपिक हेमेटूरिया को नॉर्मली नहीं देखा जा सकता। ऐसे यूरिन में आने वाले ब्लड की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इसका माइक्रोस्कोप के जरिए ही पता लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रॉस हेमेटूरिया में यूरिन का रंग बदल जाता है, जो कई बार ब्लड के रंग का नजर आ सकता है। कई बार यूरिन में सिर्फ ब्लड ही होता है और इसको सामान्य देखा जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि यूरिन में ब्लड आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। यूरिन में ब्लड आने का पहला कारण है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिन में होने वाला एक ऐसा बैक्टीरियल संक्रमण है जो यूरिन से जुड़ी कोई भी दिक्कत दे सकता है, चाहे वो यूरिन में ब्लड आने की परेशानी ही क्यों ना हो। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। अगर इस समस्या का आप समय पर इलाज न लें तो ये गंभीर हो सकता है। इसके कारण यूरिन में ब्लड आने की समस्या के साथ साथ यूरिन में जलन का सामना भी करना पड़ सकता है। यूरिनरी ब्लैडर और किडनी में स्टोन होना भी यूरिन में ब्लड आने की वजह बन सकता है। जिन लोगों को स्टोन की समस्या होती है उन्हें भी यूरिन में ब्लड आने की संभावना बनी रहती है। किडनी में स्टोन होने से यूरिनरी सिस्टम में कुछ दिक्कत आ सकती है। इससे यूरिन में ब्लड होने की परेशानी के साथ साथ यूरिन रिलीज करने में बहुत तेज दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर यूरिन में ब्लड पुरुषों में दिखाई दे तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की वजह से हो सकता है। प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे और यूथ्रा के ऊपरी भाग के पास होता है। ये एक उम्र में आकर बढ़ ही जाती है। इससे यूरिथ्रा सिकुड़ने लगते हैं और जब यूरिथ्रा श्रिंक होता है तो इससे यूरिन रिलीज करने में समस्या होने लगती है, जो यूरिन में ब्लड की समस्या बनाता है। जब यूरिन में ब्लड हो और इससे किडनी पर प्रभाव पड़ता है तो इससे बॉडी में कई बदलाव दिखाई दे सकते हैं। आपको बुखार आ सकता है। इसके अलावा यूरिन में संक्रमण की परेशानी हो सकती है। यूरिन रिलीज करने में बहुत तेज दर्द हो सकता है। इसके अलावा उल्टी जैसा मन भी हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप इसका समय पर इलाज लें। अगर आपको किडनी में कोई भी दिक्कत है तो इसके लिए आप आयुर्वेद को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को जरूर शामिल करें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है और किडनी भी सही ढंग से अपना काम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन है जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे स्वस्थ हुए, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। जी, क्या नाम है पेशेंट का? पूनम श्रीवास्तव। कौन है आपके? वो सीनाई डॉक्टर। अच्छा, तो जब आए थे क्या क्या तकलीफ हो रही थी? तब साहब तकलीफ तो बहुत तकलीफ थी, उसको पानी नहीं निकल पा रही थी वो। अच्छा, 7 दिन से। अच्छा, आज वो 2 रोटी खा लेती है। अच्छा, सेहत में बहुत सुधार है, अपने आप चल फिर लेती है, बहुत सुधार है। और क्या क्या फर्क है? हर तरह से फर्क है। लेटिन सप्ताह भर में या 15 दिन लेटिन नहीं खाती नहीं थी, तो लेटिन कैसे जाए? आज विधिवत जो है वो 24 घंटे में एक बार लेटिन जाती है, अपना खाना खा रही है, फल खा रही है, हर चीज़ पच रही है। 2-4 दिन के बाद में कभी कभी वोमिटिंग हो जाती है, और कोई तकलीफ नहीं, सब आराम है, बहुत आराम। ठीक है, तो अभी जब आप कहाँ से आते हैं? हम फरुखाबाद से। यूपी से? यूपी से। फरुखाबाद में कहाँ से? फरुखाबाद फतेड़ स्टेशन के पास। अच्छा, तो जब कितने महीने हुए आपको दवाई स्टार्ट करे हुए? अभी तो 1 महीना हुआ। अच्छा, अभी 1 ही महीने में? अभी 1 महीना हुआ है, वो जानते नहीं थे कि इसको कोई परेशानी हुई। दमान जी ने दवा जो है वो एक थोड़ा सा डॉक्टर उसका आई, उसका हाल फीस वो जो है मलेरिया या वो था क्या नाम ये बुखार उखार थे, तो झोला साहब डॉक्टर उसे कराने की वजह से जो है गर्म दवाई खाने की वजह से उसके लिखकर चाहिए। चलिए कोई नहीं, आप लग के फॉलो कीजिए जैसे जैसे आपको बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे चेंजेस आपको किसी पर। ठीक है, आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।